स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल एक परिचय यह इस पोर्टल पर उपलब्ध सबसे प्रारंभिक पाठ योजना है। यह पाठ योजना के लिए है ऐसे छात्र जिनका किसी भी रूप में लिखित बोली जाने वाली अंग्रेजी का ज्ञान नगण्य है। इसके बाद प्राथमिक स्तर शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो वास्तविक वाक्य से शुरू कर सकती है संरचनाएं SS1 से शुरू। उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच की बर्फ को तोड़ना और उन्हें परिचित कराना बुनियादी अंग्रेजी के साथ। विवरण भाषा का परिचय देने के लिए शिक्षक अंग्रेजी में अपना परिचय देता है विद्यार्थियों। फिर वो छात्रों से अंग्रेजी में प्रश्न नीचे पूछने के लिए आगे बढ़ती है। शिक्षक को इन प्रश्नों को पहले अंग्रेजी में रखना चाहिए लेकिन उन्हें इसे उसी में दोहराना चाहिए छात्रों की मूल भाषा। छात्र अपनी मातृभाषा में उत्तर दे सकते हैं तब शिक्षक को आगे बढ़ना चाहिए उन्हें सिखाएं कि इन सवालों और ऐसे अन्य बुनियादी सवालों के जवाब कैसे दे जो वे कर सकते हैं उनके दैनिक जीवन में अंग्रेजी में आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? 2. आप क्या करते हैं? 3. आप कैसे हैं? 4. आप कहाँ रहते हैं? 5. आप कितने साल के हैं? 6. क्या आपको स्कूल पसंद है? 7. आप क्या करना पसंद करते हैं? 8. आपके साथ बैठे छात्र का नाम क्या है? 9. आपके दोस्त कौन हैं? 10. आप क्या खाना पसंद करते हैं? 11. आपके पिता माता का नाम क्या है? 12. आपके भाई बहन का नाम क्या है? छात्रों के साथ बातचीत करते समय ऐसे और प्रश्न जोड़ें। अक्सर छात्रों के साथ बर्फ तोड़ने के बाद शिक्षक को उन्हें औपचारिक रूप से अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देना चाहिए। हम पहले अक्षर से शुरू करते हैं। उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी अक्षर पढ़ना लिखना और पढ़ना सिखाना प्रासंगिक प्राथमिक शब्दावली के साथ दोनों एक साथ। विवरण शिक्षक बोर्ड पर अक्षर लिखता है और छात्रों को पढ़ने के लिए कहता है उसके बाद उसके साथ वर्णमाला। उन्हें प्रत्येक वर्णमाला द्वारा की जाने वाली ध्वनि ध्वनियों को सिखाना एज एक शब्द का हिस्सा। प्रत्येक अक्षर को उठाकर और वस्तुओं को इंगित करके इसका समर्थन किया जा सकता है उस पत्र के साथ शुरू होने वाले कमरे में आसपास। शिक्षक एक बार में एक अक्षर से शुरू करता है उसे बोर्ड पर लिखता है और इंगित करना शुरू करता है सामान्य वस्तुएं जो उस अक्षर से शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए वो बोर्ड पर लिखती है और उन वस्तुओं को इंगित करते हुए आगे बढ़ें जो से शुरू होती हैं और छात्र उसके साथ इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। शिक्षक कमरे के चारों ओर की वस्तुओं को इंगित करता है और उस अक्षर को इंगित करता है जिससे वे शुरू करते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनियों पर बल देना। 1. एप्पल के लिए ए। 2. ब्लैकबोर्ड के लिए बी। 3. कुर्सी के लिए सी। 4. डेस्क के लिए डी। 5. 26. सिप के लिए जेड। यह तब तक किया जाता है जब तक सभी पत्रों को कवर नहीं किया जाता है और छात्रों ने पर पढ़ा और नोट किया है कम से कम 30 नए शब्द। गतिविधि रिक्त स्थान भरें मौखिक रूप से या लिखित रूप में आयोजित किया जा सकता है। 1. ए के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, सी के लिए 5, वाई के लिए 6, टी के लिए 7, यू के लिए 8, पी के लिए 9, मै के लिए 10, बी के लिए पहला अक्षर पहचाने। 1. डॉग के लिए 2, पेन के लिए 3, पेड़ के लिए 4, बुक के लिए 5, के लिए 6, शिक्षक के लिए 7, जूते के लिए 8, पानी की बोतल के लिए 9, हाँ के लिए 10, अंग्रेजी के लिए। अभिवादन उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी में मूल अभिवादन और शुभकामनाओं से परिचित कराना। बधाई और शुभकामनाएं किसी भी भाषा में सीखना सबसे आसान है और इसे आसानी से विकसित किया जा सकता है उनकी दिन प्रतिदिन की बातचीत में। वे एक
नया सीखने की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है भाषा। हिंदी विवरण। शिक्षक छात्रों को मूल इच्छाएं, शुभकामनाएं सिखाता है जो एक आती है उदाहरणों और स्थितियों की मदद से रोजमर्रा की बातचीत में। शुभकामनाएं कुछ समय के लिए केवल मौखिक रूप से किया जाना चाहिए और बाद में वर्तनी का अभ्यास किया जा सकता है। शिक्षक उन्हें इन सामान्य अभिवादनों को लागू करने का तरीका सिखाने पर अधिक ध्यान देंगे। बातचीत और मामले जहां व्याकरण और शब्दावली के बजाय उनका उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित अभिवादन और जिन स्थितियों में उनका उपयोग किया जाता है उन्हें सिखाया जाना चाहिए। एक, नमस्ते नमस्ते। दो, धन्यवाद। तीन, आप कैसे हैं। चार, आप कैसे हैं का उत्तर, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। पाँच, मुझे खेद है। छः, सुप्रभात। सात, शुभ दोपहर। आठ, शुभ रात्रि। नौ, शुभ संध्या। दस, कृपया। ग्यारह, नहीं हाँ। बारह, अलविदा। तेरह, समय क्या है। चौदह, समय बताते हुए। छह बज रहे हैं। गतिविधि, निम्नलिखित स्थितियों में आप क्या करेंगे। कोष्ठक से उत्तर चुने। छात्रों को अंग्रेजी में या उनकी अपनी भाषा में समझाया जाना चाहिए। एक, शिक्षक सुबह आपकी कक्षा में प्रवेश करते हैं, आप उसे क्या कहेंगे। अच्छा सुबह, सॉरी, अलविदा। दो, शिक्षक आपको एक चॉकलेट देते हैं, आप उसे क्या कहेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद आप, नमस्कार। तीन, आपने वो काम नहीं किया जो शिक्षक ने आपको दिया था, आप उसे क्या कहेंगे। क्षमा करें, शुभ संध्या, नमस्कार। चार, तुम सोने जा रहे हो, आपके माता पिता को क्या कहेंगे। सुप्रभात, शुभ रात्रि, नमस्ते। पाँच, आपको बहुत भूख लगी है और आपकी माँ आपसे पूछती है कि क्या आपको खाना चाहिए, आप क्या कहेंगे उसकी। अलविदा, हाँ धन्यवाद। छः, आप पार्क में अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे। नमस्कार, क्षमा करें, नहीं। सात, आपने अपनी घड़ी खो दी है, आप अपने मित्र से समय कैसे मांगेंगे। समय क्या है, समय कहाँ है, समय कब है। आठ, आप अपने दोस्त की किताब चाहते हैं, आप कैसे पूछेंगे। मुझे अपनी किताब दो, सॉरी, मुझे दो अपनी किताब, कृपया मुझे अपनी किताब दो, अलविदा। नौ, आप अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिले हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे। नमस्कार, आप कैसे हैं, क्षमा करें, अलविदा। अलविदा, शुभ रात्रि। दस, कोई आपसे समय पूछता है, आप क्या कहेंगे। यह 4 बजे है। शुभ रात्रि, अलविदा, आप कैसे हैं। मजेदार गतिविधि, इसे पहली कक्षा में ही एक नियम बना लें, जिसका उपयोग प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन करना है। ये अभिवादन कम से कम 5 बार करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किससे बात कर रहे हैं। कक्षा के अंत में एक यादृच्छिक छात्र से उन 5 स्थितियों को बताने के लिए कहें जिनमें उसने अभिवादन का उपयोग किया और क्या अभिवादन उन्होंने इस्तेमाल किया। अपने शिष्य के साथ और साथ ही साथ थोड़ी व्यक्तिगत बातचीत करने का यह एक शानदार तरीका है। उसकी प्रगति को ट्रैक करें। समय और दिनांक उद्देश्य, छात्रों को समय महीने की पहचान करने और अधिक सामान्य अभ्यास करने में मदद करना। समय और अवधि से संबंधित शब्दावली और भाव विवरण, ये खंड छात्रों को समय बताने जैसे बुनियादी कार्य सिखाने के लिए है। दिन के समय, महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों आदि की पहचान करना। इस खंड में शिक्षक निम्नलिखित को कवर करता है, 1 माह 2 दिन 3। 1 दिन का विभाजन समय बताना। शिक्षक छात्रों को टेबल घड़ी का उपयोग करके समय बताना सिखाता है।
विभिन्न समय अवधियों को आसानी से सिखाने के लिए नीचे दिए गए सरल चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक साल क्या है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जागो, उठो, कक्षाओं में भाग लो, बाहर जाओ और खेलो, टेलीविजन देखें, ब्रश और स्नान से वापस आए, स्कूल टहलने जाएं, होमवर्क खत्म करें, नाश्ता करें, दोपहर का भोजन करें, व्यायाम, रात का खाना खाएं, स्कूल जाओ, एक छोटी सी झपकी ले लो, चाय और नाश्ता करो, सो जाओ।